नमस्कार छात्रों, आज का हमारा हिंदी का विषय है हरिवंश राय बच्चन जी का एक गीत। एक गीत की व्याख्या हम आज करेंगे, तो उसकी पंक्तियाँ इस कुछ ऐसे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिल जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत काव्यांश जो है आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है आरोह भाग दो से, और इस गीत में श्री हरिवंश राय बच्चन जो है बताते हैं कि दिन कैसे जल्दी जल्दी ढल रहा है। कि कवि जो है कहता है कि जीवन की व्याख्या करता है, कवि कहता है कि जीवन की व्याख्या, वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री जो है जल्दी चलने लगता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, उसकी मंजिल समीप ही होती है, इसी कारण वह थकान होने के बावजूद भी अपने पैरों में स्फूर्ति भर देता है। स्फूर्ति हो जैसे ही उसके पैरों में, थकान होने के बाद भी उसके पैर जो है कदम जो है तेजी से चलने लगते हैं मंजिल की चाह में, मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ती है। जो जो क्या नाम यात्री है, जो पथिक है, पंथी जो है, वो देखता है कि रात्रि होने वाली है, अब मुझे जल्द से जल्द और तेज कर लेना चाहिए अपने पैरों की चाल को, क्योंकि वो सोचता है कि जैसे पंक्तियों में है, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि मुझे भी लक्ष्य प्राप्त करना है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर रास्ते में ही रात हो गई तो मुझे रुकना पड़ेगा, इसीलिए वो यही सोच के वो भी वो जो थका पंथी है रास्ते को पार करना चाहता है जल्दी। इसीलिए थकान होते हुए भी शरीर में उसका उल्लास और ये तरंग और आत्मविश्वास के पैरों में गति भरता है, उसकी गति कम नहीं होने देता है। यहाँ पे ये हरिवंश राय बच्चन यही कहना चाहते हैं कि हमें जब लगता है कि हमारा लक्ष्य सामने है, तो हमें उसको पाने की चाह, उसकी पाने की लालसा को और ज़्यादा कर देना चाहिए, उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपना जीवन का जितना भी अपने अंदर शरीर की शक्ति है उसको लगा देनी चाहिए। आगे आगे ये पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे कवि कहता है, कवि जो है प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया सुबह होते ही अपने घोंसले से उड़ जाती है दाना चुनने के लिए, अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ के वो उनके खाने के लिए उड़ जाती है दाना चुनने के लिए, और फिर वो सोचती है जब जैसे ही उसको लगता है कि अब दिन ढलने वाला है, वो सोचती है कि बच्चे मेरी मेरी जो है राह देख रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे, तो यही सोच के उसको पंखों में और तेजी हो जाती है कि मेरे बच्चे जो मेरी घोंसले की नीड़ है उसमें से झांक रहे होंगे कि माता और पिता अभी तक नहीं आए, यही सोच के उसके पंखों में और तेजी आ जाती है, वह ध्यान आता है उसके पंखों में तेजी आ जाती है, ये ध्यान आते है, और वो जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रकृति के माध्यम से एक उदाहरण दिया है कि कैसे चिड़िया सुबह उठती है, सब प्रयत्न करती है अपने बच्चों के लिए दाना चुनने का, और जैसे ही देखती है कि दिन खत्म हो रहा है, उसको भी अपने बच्चों की क्या नाम चिंता है, अब मुझे अपने घोंसले में वापस लौट जाना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं छात्र, मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूँ किसके हित चंचल,
ये प्रश्न शीतलता करता पद को भरता उर्मे विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वो इस संसार में अकेले हैं, वो एकाकी जीवन जी रहे हैं, उनसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है, उनकी कोई भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है घर में, उनके कोई प्रेयसी कोई प्रेमी उनके घर पे कोई राह नहीं देख रहा है। इसीलिए ये सोचते ही उनके पैरों में शिथिलता आ जाती है, उनके पैर जड़ हो जाते हैं कि मेरी तो कोई राह नहीं क्या नाम तक रहा है घर पर, वो क्यों जाए भागकर, किसके लिए जाए घर पर, कौन उनके लिए बैठा है, कौन उनकी राह देख रहा है। और ये प्रश्न आते ही उनके मन में उनके पैरों में शिथिलता आ जाती है, उनके पैर जड़ हो जाते हैं, उसके हृदय में ये व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। कवि के हृदय में रात में एकाकीपन और उसकी प्रिय की वियोग वेदना उनको और सताएगी, इससे उनका हृदय और पीड़ा और बेचैन हो उठता है, क्योंकि उनके घर में कोई भी क्या नाम उनका प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, और उनको लगता है कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो रात हो जाएगी, और रात में अपनों की याद बहुत आती है। दिन आप कैसे भी काट लो लेकिन रात में अपनों की बहुत याद आती है, रात का एकाकीपन सबको काटता है। यही हरिवंश राय बच्चन बताना चाहते हैं कि जीवन का एकाकीपन हमें बहुत काटता है। दिन में तो हम अपनी सारी दिनचर्या में बिल्कुल उसमें बिजी रहते हैं, लेकिन रात होते ही सब अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं, और हमारी राह कोई नहीं तक रहा है। हम मुझे भी अपने प्रेयसी की याद आने लगती है, मुझे भी उसकी विरह वेदना सताने लगती है। तो छात्रों, इसकी हमने व्याख्या की एक गीत की, इसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने एकाकीपन को दिखाया है, लक्ष्य की प्राप्ति को बताया है, दूसरा कैसे प्रकृति का उदाहरण देकर उन्होंने ये बताया है कि पक्षी भी जो हैं अपने घर की ओर लौट जाते हैं, मतलब हमें जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का लगा देना चाहिए, अपने पैरों को जड़ नहीं करना चाहिए, और अपने पैरों में और स्फूर्ति लानी चाहिए और उसको प्राप्त करना चाहिए। आशा करती हूँ इसका भावार्थ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।